गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग द सेशन हैज स्टार्टेड नूर आलम गुड इवनिंग विशाल प्रियंका शांतनु आदित्य स्वप्नली वेरी गुड इवनिंग एवरी वन सो आज का मैसेज आ गया था अभी अभी आया होगा आपके पास आज का मैसेज गुड इवनिंग यार सुल्तान गुड इवनिंग चलिए और लोग जुड़ रहे हैं सो so, हम दो दो से तीन मिनट का वेट कर लेते हैं मैं भी अपने लैपटॉप की सेटिंग्स थोड़ी सही कर लेता हूँ उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को कंटिन्यू करेंगे सो so, कल वाली क्लास को हम और कंटिन्यू करते हैं आज ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग करण ठीक है मैं अपने लैपटॉप को थोड़ा सा एक मिनट मुझे टाइम दीजिए बस एक मिनट दीजिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ जैसे हाँ हाँ बैकग्राउंड में यार मैंने एक एफेक्ट लगाया है तो मैं जब से ये ऑनलाइन पढ़ाने लगाऊँ तब से बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ कि और कैसे इनोवेट कर सकते हैं <laughs> पहले वाला पर्दा प्यारा था एक्चुअली uh, इस गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आई गेस सब लोग जुड़ चुके हैं ठीक है बस एक मिनट मुझे दीजिए मेरा राइटिंग पैड कहाँ है गुड गुड इवनिंग इवनिंग सो विल कंटिन्यू दी सेशन ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग आज कुछ नया लग रहा है आज एक्चुअली क्या है एक इफेक्ट मैंने अप्लाई किया है सो so, क्या चीज है यार कि मैं यार ये कुछ ना कुछ नई नई चीजें करता रहता हूँ देखता हूँ यार क्या चीज बेस्ट पॉसिबल हो पाएगी सो so, अगर आप लोग को आज का ज्यादा अच्छा लग रहा है कि कल का ज्यादा अच्छा लग रहा था सो so, मैं क्या कर सकता हूँ उसे चेंज भी कर सकता हूँ ठीक है आज आप क्लास लेके देख लो ये वाली अगर इनकेस अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगी सो मैं क्या करूंगा इस पैटर्न को चेंज भी कर सकता हूं स्टार्ट करें दोस्तों आज का सेशन आज का सेशन कंटिन्यू करें चलो आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं और आप हेडिंग डालो चलिए आज का सेशन करने ऑलमोस्ट सारे लोग जुड़ गए ठीक है चलो यार आप पांच दस मिनट लग भी गए हमें इस चीज में सो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए हुक्स लॉ ठीक है सो आज की पहली हेडिंग आपको डालनी है हुक्स लॉ चलिए पहली हेडिंग डालिए आप आज की हुक्स लॉ क्या होता है हुक्स लॉ हेडिंग डालिए

ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन ऑब्जर्वेशन ठीक है और उसने कंडीशन बताई थी हमें क्या कंडीशन हो सकती है उसके लॉ की ठीक है ऑन दी बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन उसने क्या बोला था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन ठीक है विद इन दी प्लास्टिक लिमिट विद इन दी प्रपोर्शनैलिटी लिमिट सॉरी विद इन दी प्रपोर्शनैलिटी लिमिट तो हुक्स लॉ ने क्या क्या अपना लॉ दिया रॉबर्ट हुक ने अपना लॉ दिया है विद इन दी प्रपोर्शनैलिटी लिमिट ठीक है विद इन दी प्रपोर्शनैलिटी लिमिट विद इन द प्रपोर्शनैलिटी लिमिट विद इन दी प्रपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्टेन अब देखो किसी किसी बुक में क्या लिखा हुआ है विद इन द इलास्टिक लिमिट देखो इट इज वन एंड द सेम थिंग ठीक है इट इज वन एंड द सेम थिंग वाई इट इज वन एंड द सेम थिंग बिकॉज क्योंकि देखो हमने क्या बोला था कल मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इलास्टिक सेम मान के चलते हैं सो इन so, अगर कहीं लिखा है इन इलास्टिक लिमिट ठीक है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वो भी हम एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सही मानेंगे सो विदिन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या बोला गया है स्ट्रेस जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा ठीक है so, सो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है और ये कल मैंने आप लोग को बताया भी था सो विद रॉबर्ट हुक ने ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ उसने ऑब्जर्वेशन लिए और तब हमें ये बताया कि प्रपोर्शनैलिटी लिमिट तक ठीक है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन दी बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और एक और चीज ध्यान रखिएगा एक और चीज रॉबर्ट हुक ने अपने हुक्स लॉ में क्या बताया कंडीशन फॉर अप्लाइंग दिस लॉ एक तो कंडीशन हम देख लेते हैं क्या है कंडीशन फॉर अप्लाइंग कंडीशन ऑफ फॉर अप्लाइंग ये लॉ अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन दिया है कि मटीरियल शुड बी होमोजीनियस मटीरियल शुड बी होमोजीनियस मटीरियल शुड बी आइसोट्रोपिक एंड मटीरियल शुड भी लीनियरली इलास्टिक मटीरियल शुड भी लीनियरली इलास्टिक अगर ऐसा होगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन ये आप ध्यान रखिएगा ठीक है तो मतलब क्या चीज है ये आप डायग्राम देखिए ठीक है मतलब अब लीनियरली इलास्टिक लीनियरली इलास्टिक ठीक है एक तो ये हो गया अप टू लिमिट ठीक है बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या करते हैं प्रपोर्सनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट को कन्साइड कर देते हैं तो अप टू दिस लिमिट क्या हो रहा है जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा सो मतलब स्ट्रेस जैसे मतलब दोनों के बीच में क्या चीज होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्लियर हो गई वाली बात क्लियर हुई फटाफट लिख लीजिए ये चीज ठीक है ना तो ये हमारा क्या हो गया हुक्स लॉ हो गया ठीक है तो विद इन प्रपोर्शनलिटी लिमिट आपका स्ट्रेस क्या होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सो so, दोनों बढ़ेंगे ठीक है अगर एक दस यूनिट अगर स्ट्रेस दस यूनिट है स्ट्रेन यूनिट है और फिर उसके बाद स्ट्रेस तो इस, ट्वेंटी इस होगा फॉर एग्जाम्पल टू यूनिट का हो जाएगा अगर आपका स्ट्रेस थर्टी यूनिट का है तो स्ट्रेन कितना हो जाएगा थ्री यूनिट का हो जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा रेशियो जो इनका होगा वो एक कॉन्स्टेंट होगा इनका जो रेशियो होगा वो कॉन्स्टेंट होगा ये ध्यान रखिएगा दिस इज नथिंग बट दी लॉ आपका क्या है हुक्स लॉ है क्लियर हो गई वाली बात लिख लिया सबने नेक्स्ट साइडिंग लिया आप लोग डक्टिलिटी नेक्स्ट साइडिंग डालिए डक्टिलिटी देखो डक्टिलिटी क्या होता है Ductility क्या होता है अपन देखते हैं देखो डक्टिलिटी को आप लोग अब तक कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं ठीक है अगर मैं में में बोलता हूं, वो material जो कि ड्रॉ हो सकता है ठीक है मटेरियल को हम क्या बोलते हैं अगर मैं बोलता हूँ मटीरियल अगर मैं ये बोलता हूं डक्टाइल मटीरियल डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जो कि वायर्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं ठीक है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स ठीक है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स अब बहुत ध्यान से देखिए डक्टिलिटी क्या होता है

ठीक है देखते हैं मटीरियल विच हैव ग्रेटर देन ऑफ पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन मटीरियल है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन को हम क्या बोल देते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन भी बोल देते हैं पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन को हम क्या बोल देते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन भी बोल देते हैं जल्दी लिखिए आप फटाफट ये लिखो अभी मैं समझाता हूँ ये क्या चीज होती है डक्टिलिटी क्या होता है डक्टाइल मटीरियल वो होते हैं जो कि जिनके अंदर परसेंट से ज्यादा पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन आता है ये अभी हम देखते हैं क्या होता है चलो देखो बहुत ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो मटीरियल है एक आपने क्या देखा एक मटीरियल आपने देखा माइल्ड स्टील और एक आपने देखा रबर ठीक है ये माइल्ड स्टील है और माइल्ड स्टील और ये आपका क्या है ये रबर है ठीक है अब देखो माइल्ड स्टील में आपने ये स्ट्रेस ट्रेन कर बनाया ठीक है ये 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 और रबर रबर में में देखिए आपने क्या किया रबर ये. ये का है ये रबर का स्ट्रेस ट्रेन कर वे है ये रबर का स्ट्रेस ट्रेन कर वे है ठीक है अब देखो यहां पे बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से देखिए दिस रीजन स्टिक रीजन ये ये जो रीजन है इसे आप क्या बोल देते हैं ये आप इलास्टिक रीजन बोल देते हैं और यह आपका क्या है यह प्लास्टिक रीजन है ठीक है तो इतना डिफॉर्मेशन भी आपका जो है वो क्या हो जाएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये आपका क्या है इलास्टिक डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन और यह आपका क्या है यह प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है अब बहुत ध्यान से सुनिए ठीक है थीके? और रबर में आपका क्या चीज है ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन है और इतना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है रबर में क्या होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम ये आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन है और ये आपका क्या है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है अब बहुत ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से पहले मैंने क्या किया अब ये जो एरिया आपका है ये ये एरिया ये एरिया जो है ठीक है दिस इज मोर देन फाइव परसेंट दिस इज मोर देन फाइव परसेंट तो आप क्या कर सकते हो उन मटीरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर पांच परसेंट से ज्यादा होता है मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर पांच परसेंट से ज्यादा हुआ ठीक है अभी मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूं देखो अब ये रबर में है ठीक है रबर में देखो यह क्या चीज है लेस देन फाइव परसेंट यह जो प्लास्टिक स्ट्रेन है

नॉन डक्टाइल मटीरियल या फिर हम ब्रिटेल मटीरियल बोल देंगे उसे ठीक है इतना लिखो इतना लिखो फिर और समझाता हूं इसका मतलब लिखिए इसका मतलब डन ये ये लिखिए फटाफट डन ये लिखिए सबने देखो ये मैंने स्ट्रेन बोला है ना ये स्ट्रेन बोला है स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है कि नहीं होता है अगर 100 यूनिट ओरिजिनल लेंथ है तो पांच यूनिट का पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन आना चाहिए भाई ये मैंने क्या बोला पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अब देखो बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से देखिएगा ठीक है आपने क्या किया दो मटेरियल लिए दो मटेरियल लिए ठीक है एक रबर रबर की शीट ले ली आपने ये ये रबर है और ये क्या है फॉर एग्जाम्पल स्टील है ये आपका क्या है स्टील है अब आप देखो बहुत ध्यान से आप क्या कर रहे हो इन पर लोड लगा रहे हैं लोड लगा रहे हैं ठीक है टेन यूनिट का लोड लगाया इस पर भी टेन यूनिट का लोड लगाया ठीक है स्टील में जो डिफॉर्मेशन आया फॉर एग्जाम्पल कितना डिफॉर्मेशन ज्यादा इसमें डिफॉर्मेशन कम है अब आपने क्या किया इस लोड को और बढ़ा दिया टेन यूनिट क्या कर दिया हंड्रेड यूनिट का कर दिया इसमें भी आपने टेन यूनिट की जगह हंड्रेड यूनिट कर दिया ठीक है अब क्या होगा अगर आप टेन यूनिट का लोड हटाते ठीक है दोनों ही अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाते दोनों ही अपनी अगर इसमें क्या था फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया था इसमें आपने टेन यूनिट का लोड लगाया और इसमें डिफॉर्मेशन कितना था ठीक है टेन यूनिट का लोड लगाया ठीक है स्ट्रेन अभी बहुत करते हैं स्ट्रेन इसमें कितना था टेन यूनिट का स्ट्रेन था इसमें आपने टेन यूनिट का लोड लगाया स्ट्रेन कितना था वन यूनिट का था अब जैसे ही आप टेन यूनिट का लोड हटाएंगे दोनों ही अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएंगे तो आप क्या बोल सकते हैं दी इलास्टिक स्ट्रेन इन रबर इज मोर देन द इलास्टिक स्ट्रेन इन स्टील जल्दी बताइए मुझे मैंने क्या किया दस यूनिट का लोड लगाया ठीक है स्टील में कितना डिफॉर्मेशन आया वन यूनिट का रबर में कितना डिफॉर्मेशन आया टेन यूनिट का आया यस yes, स्ट्रेन आया टेन यूनिट का तो आप बोल सकते हैं यहां पर दी डिफॉर्मेशन या फिर स्ट्रेन इन इलास्टिक स्ट्रेन इन रबर इज मोर देन इलास्टिक स्ट्रेन इन स्टील ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते yes, no? जल्दी बताइए मुझे दी इलास्टिक स्ट्रेन इन रबर इज मोर देन द इलास्टिक स्ट्रेन इन दी स्टील बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बोल सकते हैं इतना कंफर्म हो गया बिल्कुल बोल सकते हैं ठीक है अब देखो बहुत ध्यान से बोल सकते हैं तो देखिए बहुत ध्यान से अब आपने क्या किया बिल्कुल 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 अब आपने क्या किया ये आपका स्टील है ठीक है ये आपका रबर है अब आपने क्या किया इस हंड दोनों पे हंड्रेड हंड्रेड यूनिट का लोड लगाया हंड्रेड हंड्रेड यूनिट का लोड लगाया दोनों पे मतलब अब हम कहां पर आ गए ये लोड क्या होगा इन दोनों मटेरियल को इलास्टिक स्ट्रेन से आगे ले जाएगा फॉर ये वाला जो लोड है दोनों ही मटीरियल को स्टील को भी और रबर को भी इलास्टिक रीजन से आगे ले जाएगा फॉर प्लास्टिक रीजन में हम लोग आ गए अगर प्लास्टिक रीजन में आ गए फॉर इसमें जो डिफॉर्मेशन था ठीक है अब इसमें जो डिफॉर्मेशन है फॉर एग्जाम्पल पहले कितना था 10 यूनिट का था ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन है इलास्टिक स्ट्रेन है और उसके बाद क्या हुआ टू यूनिट का इसमें प्लास्टिक स्ट्रेन आ गया टू यूनिट का इसमें प्लास्टिक स्ट्रेन आ गया ठीक है टू यूनिट का इसमें क्या आ गया प्लास्टिक स्ट्रेन आ गया ठीक है टेन यूनिट और टू यूनिट और इसमें क्या था पहले वन यूनिट का स्ट्रेन आया था और प्लास्टिक स्ट्रेन इसमें आ गया फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इसमें जो प्लास्टिक ये आपका इलास्टिक स्ट्रेन है इलास्टिक स्ट्रेन इसमें आ गया फॉर एग्जाम्पल वन यूनिट का प्लास्टिक स्ट्रेन इसमें आ गया फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक स्ट्रेन इसमें आ गया फॉर एग्जाम्पल ठीक है ट्वेंटी यूनिट का ट्वेंटी यूनिट का आ गया फॉर एग्जाम्पल अब जब आप लोड हटाओगे ठीक है अब जैसे ही आपने लोड हटाया ये वन यूनिट तो रिकवर हो जाएगा ये ट्वेंटी यूनिट रिकवर नहीं होगा और रबर में क्या होगा ये टेन यूनिट रिकवर हो जाएगा ये टू यूनिट रिकवर नहीं होगा तो इसका क्या मतलब हो गया आप स्टील को जल्दी वायर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई अगर इसमें ट्वेंटी यूनिट का स्ट्रेन है तो आप जल्दी से उसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये बताओ मुझे भाई आप खींच खींच के खींच खींच के उसे वायर में कन्वर्ट करना है सो वो मटेरियल ज्यादा आपका जल्दी वायर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें प्लास्टिक स्ट्रेन ज्यादा होगा ये बात सबको समझ में आ गई सो डाइल मटीरियल विच हैव मोर देन फाइव परसेंट ऑफ पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन इलास्टिकल दो विच है स्ट्रेन ये बात सबको समझ में आ गई कैसे ये डेफिनेशन कैसे जस्टिफाई हो रही है तो यहां पर लिख लीजिए पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन आपका कितना है अगर ग्रेटर देन फाइव परसेंट है तो मटीरियल क्या हो जाएगा डक्टाइल हो जाएगा ठीक है और अगर आपका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन अगर आपका लेस देन फाइव परसेंट है तो मटेरियल आपका क्या हो जाएगा ब्रिटेल मटेरियल है तो अपनी कॉपी में डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल लिख लीजिए डक्टाइल मटेरियल का एग्जांपल है माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल एल्यूमिनियम इज अ डक्टाइल मटेरियल ठीक है कॉपर कॉपर हो गया ब्रास हो गया दीज आर डक्टाइल मटीरियल दे कैन बी कन्वर्टेड इन टू वायर क्योंकि पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन में उनमें बहुत स्ट्रेन रहता है मोर देन फाइव परसेंट स्ट्रेन रहता है मटीरियल का एग्जाम्पल क्या है ब्रिटेल मटीरियल का एग्जाम्पल आपका है कास्ट आयरन कास्ट आयरन ग्लास ठीक है प्लास्टिक और रबर तो रबर इज नॉट अ डक्टाइल मटीरियल इट इज अ ब्रिटल मटीरियल ये सबको में आ गया रबर इज अ ब्रिटल मटीरियल वाई क्योंकि इसमें पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन पांच परसेंट से कम होता है पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन स्ट्रेन बोला है स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अगर 100 यूनिट की लेंथ है तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कम से कम पांच यूनिट की तो होगी ही होगी डन चलो बढ़िया ठीक है ना हां पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन को प्लास्टिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं बिल्कुल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन को आप प्लास्टिक स्ट्रेन भी बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं शांतरू बिल्कुल बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या देखा था बहुत ध्यान से देखिएगा ठीक है नाउ अब हम क्या देखते हैं ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन का कर्व देखते हैं ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन का कर्व देखते हैं हम लोग ठीक है कर्व ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन का कर्व देखते हैं हम लोग कर्व ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन ये देखते हैं देखो बहुत ध्यान से आपने क्या देखा था अगर ट्रू स्ट्रेस देखना है तो आप क्या देखते हो लोड पर ट्रू स्ट्रेस के लिए जो भी एट मोमेंट जिस मोमेंट पे आप ट्रू स्ट्रेस निकाल रहे हैं उस मोमेंट पे क्या एरिया है वो आप देखते हैं इंस्टेंटेनियस एरिया इंस्टेंटेनियस एरिया ठीक है ना इंस्टेंटेनियस एरिया और अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल एरिया देखते हैं कि नहीं देखते फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोड लगा रहे हैं ठीक है लोड आपने लगाया आफ्टर टू मिनट्स दो मिनट के बाद आपने देखा इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया ऐसा हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज आ गया है सो so, जो भी इंस्टेंटेनियस एरिया होगा वो आपका क्या होता ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन होता है अंडर टेंसाइल लोडिंग ठीक है ना ये बात समझ में आ गई अब इसका कर्व देखते हैं हम लोग बहुत ध्यान से देखिए मैं व्हाइट कलर से इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना देता हूं मैं वाइट से ये आपका हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रेन कर ठीक है ये ये आपका आपका क्या हो गया स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है बना अगर मैं बना सो किस के बाद से दोनों कर में डेविएशन आएगा जल्दी मुझे बताइए अगर मैं ट्रू स्ट्रेस ट्रेन कर बना रहा हूं तो किस पॉइंट के बाद से मेरा डेविएशन आना स्टार्ट हो जाएगा जल्दी बताइए मुझे जल्दी बताइए मुझे मेरा किस पॉइंट के बाद से डेविएशन आना स्टार्ट लोअर ईल पॉइंट से वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड लोअर पॉइंट से देखो आप वैसे तो आप बोल सकते हैं क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है दोनों में दोनों के एरिया क्या होते हैं सिमिलर ही होते हैं ठीक है बट आफ्टर ये ई हो गया अपर हिल पॉइंट लोअर ये बहुत पास पास में तो मैं बोल सकता हूं कि लोअर ईल्ड पॉइंट के बाद से दोनों में डेविएशन आना स्टार्ट हो जाएगा दोनों में डेविएशन आना स्टार्ट हो जाएगा ये आपका क्या हो गया ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ट्रू स्ट्रेस तो आफ्टर लोअर यील्ड पॉइंट दोनों के एरियाज में दोनों के curve के कर्व में डेविएशन आना स्टार्ट हो जाएगा अब ये वाला कर्व ऊपर क्यों होगा बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि अगर आप ओरिजिनल एरिया ले रहे हो ओरिजिनल एरिया अगर आपने ले लिया बार बार लोड बढ़ा रहे हैं ओरिजिनल एरिया आपने ले लिया अब देखो अगर आप टेंसाइल लोडिंग कर रहे हैं अगर आप टेंसाइल लोडिंग कर रहे हैं तो टेंसाइल लोडिंग में क्या होगा एरिया बार 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 क्या होता चला जाएगा ये कम होता चला जाएगा सो ट्रू एरिया विल बी मोर जहां कहीं भी आपको क्या मिलेगा ओरिजिनल एरिया और इंस्टेंटेनियस एरिया में डिफरेंस मिलेगा वहीं से ये कर्व ऊपर उठना चला चालू हो जाएगा सो इंस्टेंटेनियस एरिया इज लेस इन टेंसाइल टेंसाइल लोडिंग लोडिंग तो tensile loading में क्या होता है बहुत ज्यादा डेविएशन मिलता है कहां पर एट द नेकिंग रीजन एट द नेकिंग रीजन ठीक है तो यह आप लिख सकते हैं लार्ज डेविएशन लार्ज डेविएशन इन नेकिंग रीजन इन नेकिंग रीजन लार्ज डेविएशन इन नेकिंग रीजन ये लिख लीजिए और ये जो रेड वाला है ये रेड वाला कर्व क्या है दिस रेड कर्व इज नथिंग बट ट्रू ठीक है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लिख लीजिए फटाफट और नीचे वाला क्या है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है सो so, ये वाला जो आपका है ठीक है सिग्मा टी वर्सेस ठीक है सिग्मा टी वर्सेस टी तो ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन और यह आपका क्या हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन अब मैंने कल आप लोग को यह चीज बता दी थी कि मैं क्यों वाई वी ऑलवेज टेक हम बार बार अपने एनालिसिस के लिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर क्यों लेते हैं बिकॉज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल ठीक है इन स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल वी ऑलवेज वी ऑलवेज ठीक है वर्क अंडर इलास्टिक लिमिट हम हमेशा क्या करेंगे डिफॉर्मेशन आर वेरी लेस डिफॉर्मेशन हम क्या मानेंगे बहुत लेस मानेंगे और वी आर वर्किंग अंडर इलास्टिक लिमिट एंड विद इन इलास्टिक लिमिट देर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन द एरिया इंस्टेंटेनियस एरिया एंड द ओरिजिनल एरिया दैट इज वाई हम क्या करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल में ट्रू हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन को हम यूज करते हैं ये बात सबको समझ में आ गई सो इन स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल ठीक है कैन गो इनफाइनाइट इनफाइनाइट हाइट हाइट देखो विशाल infinite height हम नहीं बोल सकते बिकॉज इज क्या होता है ना कि अगर इनफाइनाइट एरिया का मतलब क्या हो गया ये लाइन एरिया में कन्वर्ट हो जाना लाइन एरिया में पहले ही कन्वर्ट होने से पहले माइल्ड स्टील कैसा क्या रप्चर शो कर देता है कि नहीं कर देता है भाई आप ये देखिए इनफाइनाइटली डेविएशन नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखो बहुत ध्यान से बिकॉज क्या होता है कि जब भी एरिया इंक्रीज होता चला जाता है उसके बाद उसके बाद तो फेलियर हो जाता है ना देखो कप एंड कौन फेलियर हो जाता है कि नहीं होता तो नेकिंग हो जाती है नेकिंग हो जाती है तो ये नेकिंग हो जाती है सो so, जैसे ही ब्रेक हो गया अगर ये लाइन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है ये अगर लाइन एरिया में बहुत छोटा लाइन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है सो देर इज अ इनफाइनाइट डेविएशन फ्रॉम ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस बट इनफाइनाइट एरिया में कन्वर्ट होने से पहले ये क्या हो गया कप एंड कोन के लिए फेलियर हो गया कि नहीं हो गया that is why the deviation is limited not the infinite यह बात क्लियर हो गई चलो बढ़िया अब एक नोट के फॉर्म में आप लिख लीजिए नोट के फॉर्म में ये लिख लीजिए अगर मैं कंप्रेसिव टेस्ट करता हूं इन कंप्रेसिव टेस्ट इन कंप्रेसिव टेस्ट ठीक है अब आप मुझे यह बताइए ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेन इज अबव या फिर बिलो द इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन जल्दी बताइए मुझे ट्रू स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन डायग्राम विल बी अबव और बिलो दी इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन जल्दी बताइए मुझे क्या ऑप्शन होगा अबव होगा कि बिलो होगा जल्दी बताओ मुझे जल्दी तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है लोड पर लोड पर इंस्टेंटेनियस एरिया और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है यस बिलो वेरी गुड ठीक है लोड पर एक्चुअल एरिया अब कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है तो कंप्रेशन टेस्ट में जब आप लोड लगाओगे तो एक्चुअल एरिया इंक्रीजेस एक्चुअल एरिया आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा एक्चुअल एरिया विज इफ एक्चुअल एरिया हो जाएगा इन कंप्रेशन टेस्ट ठीक है मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं इन कंप्रेशन टेस्ट ठीक है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज बिलो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज बिलो इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रेन डायग्राम ये लिख लीजिए लिखा सबने आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने रिटर्न एवरी वन चलो बढ़िया अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्या रिलेशन होता है ठीक है ट्रू और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के बीच में रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ठीक है ट्रू एंड रिलेशन बिटवीन ट्रू एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन ठीक है ट्रू स्ट्रेन एंड मैं बताता हूं ये देखो क्या होता है विशाल देखो बहुत ध्यान से कंप्रेशन टेस्ट में ठीक है देखो कंप्रेशन टेस्ट और टेंशन टेस्ट थोड़े से डिफरेंट दिफ, होते हैं बट अप टू तो इलास्टिक लिमिट द बिहेवियर ऑफ कंप्रेशन टेस्ट एंड दी टेंशन टेस्ट इज सिमिलर तभी तो हम बोलते हैं यंग्स मॉडलर्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज सेम एज इन कंप्रेशन एज इन टेंशन ठीक है भाई हम क्या बोलते हैं यंग्स ऑफ स्टील इन टेंशन इज इक्वल टू दंग्स मॉडल इन कंप्रेशन बिकॉज ऐसा पाया गया है ऑन दी ऑब्जर्वेशन जब आप टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव टेस्ट जब आप करते हैं तो बिहेवियर ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इज सिमिलर दैट वॉट इन टेंशन देखो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते स्ट्रेस बढ़ाते चले जाओगे स्ट्रेन भी इसमें बढ़ता चला जाएगा ठीक है जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते चले जाएंगे स्ट्रेन बढ़ता चला जाएगा तो अप टू इलास्टिक लिमिट क्या होता है दी बिहेवियर ऑफ स्टील इज सेम बाकी हम क्या करेंगे कंप्रेशन बिहेवियर को जब हम बकलिंग देखेंगे ना बेंडिंग देखेंगे तब हम बेंडिंग में एक बार फिर देखेंगे कंप्रेशन में कैसे बिहेव करता है स्टील ठीक है सो जब हम बेंडिंग देखेंगे एक बार और हम देखेंगे कि कैसे बिहेव कर रहा है स्टील आपका चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है रिलेशन बिटवीन ट्रू एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो आपको क्या करना है किसके बीच में रिलेशन बनाना है ट्रू स्ट्रेस ठीक है और इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है ठीक है ट्रू स्ट्रेस और सॉरी ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप रिलेशनशिप करनी करनी है है सो यू हैव टू द रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग इनके बीच में आपको देखो इसका प्रूफ कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसका प्रूफ बताऊंगा मैं देखो बहुत ध्यान से फॉर एक्जाम्पल ये कंडीशन ले लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन लीजिए आप सो पी लोड लगाया आपने ठीक है और इनिशियल लेंथ इसकी कितनी है फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत ध्यान से ठीक है थर्ड केस ले लेते हैं देखिएगा बहुत ध्यान से देखो बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से समझाता हूं यह चीज अब देखो देखिएगा बहुत ध्यान से इनिशियली जो लेंथ है इसकी वो है एल नॉट आपने पी लोड लगाया और पी लोड लगाने के बाद पी लोड लगाने के बाद देखिए क्या हुआ इसमें कुछ चेंज इन लेंथ आया देखो बहुत ध्यान से इसमें आया चेंज इन लेंथ ये लेंथ में चेंज आया उसके बाद आपने क्या किया फॉर एग्जाम्पल चेंज इन लेंथ के बाद जो लेंथ हो गई है एल हो गई है ठीक है फिर पी लोड कंटिन्यूअसली लोड लग रहा है और उसके बाद क्या हुआ ये डीएल इसमें जो चेंज इन लेंथ आया अस सपोज डीएल आ गया डीएल आ गया और फाइनल लेंथ कितनी है फाइनल लेंथ लोड लगने के बाद जो फाइनल लेंथ है लेट अस सपोज जो ये ये जो लेंथ है ये एल डैश है और ये जो फाइनल लेंथ है

पर ओरिजिनल लेंथ यहां से होता है. क्या होता है? हर मोमेंट पे अलग अलग होगा कि नहीं होगा ट्रू स्ट्रेन डिफरेंट एट एवरी मोमेंट ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं इस मोमेंट पे निकाल लेते हैं इस मोमेंट पे इस मोमेंट पे ट्रू स्ट्रेन क्या है ये निकाल लेते हैं इस मोमेंट पे मतलब यहां से यहां कितना चेंज आया पर पर ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ लेंथ यहां इस वाली कंडीशन में सेकंड वाली कंडीशन में हमने देखा कि जब लेंथ एल हो चुकी है अब इस लेंथ है उस मोमेंट पे कितना चेंज आया डीएल और फाइनल लेंथ लेंथ कितनी हो गई? हो गई गई ठीक है और अल्टीमेटली कितनी लेंथ लेंथ होगी होगी तो इस मोमेंट पे कितना चेंज आया इस मोमेंट पे कितना स्ट्रेन आया वो हम ट्रू स्ट्रेन निकालेंगे देखिए बहुत ध्यान से तो ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ कितना चेंज इस मोमेंट पे कितना चेंज इन लेंथ 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 आया DL आया चेंज आया

इंजीनियरिंग स्ट्रेन मतलब ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट एल एन एल एफ अपॉन एल नॉट आपका हो गया एल एफ अपॉन एल ठीक है यहां तक सबको समझ में आया जल्दी बताइए मुझे यहां तक सबको समझ में आया ये बताओ मुझे यहां तक सबको समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक जल्दी जल्दी लिखिए और बताइए मुझे यहां तक सबको समझ में आ गया जल्दी नहीं लिखे जल्दी नहीं लिखे लिखो लिखो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है यार अभी इसका आंसर बताऊंगा मैं इसका रिलेशनशिप आ जाएगा कभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको सुल्तान जल्दी लिखिए डन एवरीवन लिख लिया सबने लिख लिया चलो देखो बहुत ध्यान से ये हमने निकाल लिया ट्रू स्ट्रेस हमने निकाल लिया ट्रू स्ट्रेस अब आपने निकाल लिया ठीक है आप देखिए बहुत ध्यान से ठीक है आप बहुत ध्यान से देखिए देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं ठीक है ट्रू देखो बहुत ध्यान से अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ इतना चेंज आया फॉर एक्साम्पल फाइनल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ में टोटल कितना चेंज आया फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख सकता हूं फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ फॉर एग्जाम्पल ये आ गया चेंज इन लेंथ डीएल चेंज इन लेंथ आ गया तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं फाइनल लेंथ इज लेकिन टू ओरिजिनल लेंथ प्लस डीएल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ठीक है थीके? अब देखो बहुत ध्यान से आपने क्या निकाला ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट एल एन एल एन एल एफ अपॉन एल नॉट लिख दिया था आपने अब आप देखो बहुत ध्यान से LN, LF की जगह क्या लिख सकते हैं एल है? पे ठीक है अब देखिए बहुत ध्यान से यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं ठीक है ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट एल एन वन प्लस डीएल अपॉन एल नॉट वन प्लस डीएल अपॉन एल नॉट ठीक है और उस इंस्टेंट पे चेंज इन लेंथ लेंथ क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये आपका प्रूफ हो गया सो ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये आपका क्या है इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ये आपका क्या है ये आपका है ट्रू स्ट्रेन ये आपका क्या है ये आपका ट्रू स्ट्रेन है क्लियर हो गई ये वाली बात सो दिस इज दी प्रूफ और बुक्स में ये एज इट इज लिखा रहता है बुक्स में ये एज इट इज लिखा रहता है आई होप आप लोग होगा बुक्स में एज इट इज इसका प्रूफ लिखा रहता है सबको समझ में आ गया ये प्रूफ कैसे कैसे आया चलो बढ़िया लिख लीजिए फटाफट फड़। आगे नेक्स्ट डेरिवेशन पे बढ़ते हैं हम लोग देखो कितना सिंप्लीफाइड आप लोग का इसका डेरिवेशन है इतना सिंप्लीफाइड डेरिवेशन है आप देखो बहुत ध्यान से ठीक है एल एफ एल नॉट इज इक्वल टू डी एल एल नॉट अभी एल नॉट तो ऑरिजिनलिजिनल क्या है चेंज इन लेंथ है ठीक है तो ओरिजिनली लेंथ लेंथ चेंज इन मतलब कोई लेंथ ही नहीं इससे पहले भाई अगर आपका मतलब क्या हो गया एल नॉट अगर डीएल होगा एल नॉट और डीएल अगर इक्वल हो गए मतलब क्या हो गया एल नॉट अगर डीएल के इक्वल है मतलब जो ओरिजिनल लेंथ या तो ये आप बोल सकते हैं जितना आपका जितना आपका लेंथ है उतना ही चेंज इन लेंथ दोबारा से आ गया जितना लेंथ है उतना ही चेंज इन लेंथ दोबारा से आ गया तो यहां पर आप रख दीजिए जितना चेंज इन लेंथ है उतना ही आपका ओरिजिनल लेंथ है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा? Ln2 हो जाएगा जाएगा ठीक है सो तो इतना ज्यादा भाई देखो ना आप यहां पर क्या करते हैं सोम में आप क्या करते हो डीएल जो होता है बहुत छोटी लेंथ होती है एल नॉट आपकी क्या होती है एक मीटर में एक एम एम का चेंज आ गया भाई एक मीटर में एक एमएम का चेंज तो एक मीटर और एक एम एम को आप यहां पर आप थोड़ी ना बोल सकते हो भाई अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये तो फेलियर कंडीशन हो गई ना कि एक मीटर में एक मीटर का ही चेंज आ गया चलिए बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं नाउ द नेक्स्ट रिलेशनशिप इज आई होप लिख लिया सबने देखो कितना सिंप्लीफाइड डेरिवेशन है सर कितना सिंप्लीफाइड डेरिवेशन है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट लिखिए आप लोग नेक्स्ट आपका क्या है ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन कर ठीक है नेक्स्ट आपका रिलेशनशिप है चलिए नेक्स्ट आपका क्या है ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस एंड रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस तो रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस ये देखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस ये देखते हैं फटाफट लिखिए देखो बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से देखिए देखो इसके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं हम लोग देखो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है दैट इज नथिंग बट लोड पर ओरिजिनल एरिया लोड पर ओरिजिनल एरिया ठीक है और ट्रू स्ट्रेस क्या होता है लोड पर इंस्टेंटेनियस एरिया इंस्टेंटेनियस एरिया ठीक है इंस्टेंटेनियस एरिया अब बहुत ध्यान से देखिए इस वाली चीज में तो आपका जो क्या है ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट लोड पर इंस्टेंटेनियस एरिया इसमें मैं क्या कर सकता हूं

ठीक है अब बहुत ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने लोड लगाया यहां यहां से यहा तक इलास्टिक रीजन में था यहां से यहां तक प्लास्टिक रीजन में आ गया और मैंने आपको कल बताया था कि प्लास्टिक रीजन में वॉल्यूम कंजर्व होता है इन प्लास्टिक रीजन इन प्लास्टिक रीजन जल्दी बताओ मुझे इन प्लास्टिक रीजन वॉल्यूम इज कंजर्व कल बताया था कि नहीं बताया था या पोस्ट इलास्टिक रीजन या फिर प्लास्टिक रीजन इन प्लास्टिक रीजन वॉल्यूम इज कंजर्व इन प्लास्टिक रीजन वॉल्यूम इज कंजर्व होगा यस और नो तो अगर पहले ए नॉट एरिया था एल नॉट लेंथ थी और उस इंस्टेंट पे कितना एरिया है ए इंस्टेंटेनियस है और लेंथ कितनी है एल इंस्टेंटेनियस है ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूं जल्दी बताऊ मुझे भाई ये बताइए मुझे ये स्टेटमेंट समझ में आया सबको तो देखो बहुत ध्यान से ठीक है अब बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूं ए नॉट अपॉन ए इंस्टेंटेनियस लिख सकता हूं तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं अपॉन एल नॉट एल इंस्टेंटेनियस अपॉन एल नॉट ये लिख सकता हूं लिख सकता हूं भाई ये अगर मैंने लिख दिया अब देखो बहुत ध्यान से तो ट्रू स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट ठीक है इंजीनियरिंग स्ट्रेस इन टू एल इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ये लिख सकता हूं कि लिख सकता सकता हूँ अब देखो बहुत ध्यान से तो ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंस्टेंटेनियस लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन हुई है उस इंस्टेंट पे जो चेंज हुई है L, upon, DL अब देखो, इसे थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इसे सिंप्लीफाई करते हैं ट्रू स्ट्रेस इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस Plus DL upon L0. Plus DL upon L0. और ये DL upon L0 क्या होता है? चेंज इन दी इंजीनियरिंग स्ट्रेन चेंज इन दी इंजीनियरिंग स्ट्रेन ठीक है तो ट्रू स्ट्रेस इज नियरिंग स्ट्रेस वन प्लस वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन इंजीनियरिंग स्ट्रेन देखो ये डेरिवेशन हो गया ये भी एक डेरिवेशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है एक और डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करा दिया देखो कितना सिंपल डेरिवेशन है हार्डली पांच लाइनों में ये पूरा प्रूफ कर दिया हमने तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं सिग्मा टी इज नथिंग बट ट्रू स्ट्रेस ठीक है सिग्मा इज नथिंग बट इंजीनियरिंग स्ट्रेस ठीक है सिग्मा इज नथिंग बट इंजीनियरिंग स्ट्रेन सिग्मा टीज नथिंग बट ट्रू स्ट्रेन ये देखो कितना सिंपल डेरिवेशन है हार्डली अगर आप कॉपी में लिख रहे हो एक पेज में आ गया होगा लिख लिया सबने प्रीवियस स्लाइड ियस देखिए प्रीवियस स्लाइड लिख लीजिए तो अगर आपको इसे याद करना है आप कैसे याद कर सकते हैं तो ट्रू ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन ठीक है, ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट ट्रू स्ट्रेस वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन ये आपके दो फॉर्मूले आपके हो गए, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बुक्स में ये एज इट इज रटवा दिए जाते हैं कोचिंग में भी मैंने देखा है ये एज इट इज रटवा दिए जाते हैं इनका कोई मतलब ही नहीं बताता यार इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई समझाता ही नहीं है धन्यवाद भाई सुल्तान धन्यवाद लिखा सबने सो so, ये दो डेरिवेशन भी कई बार ठीक है ये दो कॉन्सेप्ट भी कई बार पूछे जाते हैं तो आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे ये आगे बढ़े डन चलो बढ़िया नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग ऑफसेट मेथड क्या होता है ऑफसेट मेथड लिखिए क्या होता है ठीक है देखो क्या होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल जाता है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम वो मेटल्स जिनमें क्लियर ईल्ड पॉइंट नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का अगर मैं स्ट्रेस ट्रेन कर बनाऊं, ठीक है एल्यूमिनियम का अगर मैं स्ट्रेस ट्रेन कर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा कुछ ऐसा बनेगा देखो ये मेरे से गलत बन गया

तो टू आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ दी मेटल हम क्या करते हैं जिनका क्लियर ईल्ड पॉइंट नहीं होता है वी यूज़ दी ऑफसेट मेथड ठीक है सो ये ऑफसेट मेथड कहां यूज आता है जिन मेटल्स का नो क्रिस्टल क्लियर ईल्ड पॉइंट ठीक है दिस मेथड इज यूज फॉर नो क्रिस्टल क्लियर ईल्ड पॉइंट ठीक है यूज फॉर दी मटीरियल दिस मेथड दिस मेथड इज यूज फॉर इज यूज फॉर मटीरियल ठीक है विच हैव नो विच हैव नो क्रिस्टल क्लियर ईल्ड पॉइंट विच हैव नो क्रिस्टल क्लियर ईल्ड पॉइंट ठीक है ना ठीक है तो हमने जनरली ये देखा गया है कि ठीक है फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल हम क्या करते हैं ठीक है फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल 0.2 टू परसेंट स्ट्रेंथ पे हम क्या करते हैं 0.2 टू परसेंट स्ट्रेंथ पे पॉइंट स्ट्रेन से हम क्या करते हैं एक लाइन पैरल ऑफसेट ड्रॉ करते हैं जिसका स्लोप किसके इक्वल होगा इस लाइन के पैरल होगा और ये जहां भी एक्सिस पे कट करेगी वो उस कोऑर्डिनेट पे हम क्या देख लेंगे ईल्ड स्ट्रेस आपको मिल जाएगा ईल्ड स्ट्रेस मर जाएगा तो बिकॉज ये क्या है स्ट्रेन है और ये क्या है स्ट्रेस है तो दिस इज नोन एज ऑफसेट मेथड दोस्तों मजा आ रहा है सोम पढ़ने में ये बताइए आप लोग चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं आप लोग बताओ यार हम लोग हमारी आज ये तीसरी चौथी क्लास है ठीक है हम लोग बेसिक्स अभी भी बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं यार ये पूरा चैप्टर बेसिक्स का ही है और यही चैप्टर में इतनी बार यूज करूंगा ना चाहे आरसीसी हो चाहे स्टील हो चाहे स्ट्रक्चर हो आज की डेट में मेरा आरसीसी मेरा स्टील मेरा स्ट्रक्चर अगर स्ट्रांग है किसकी बदौलत है वो सोम की बदौलत है क्योंकि इसके जो बेसिक चीजें हैं ना वो दिमाग में मेरे छपी हुई हैं इसीलिए क्या कहते हैं ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेजिलियंस नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालिए रेजिलियंस थैंक यू सो मच यार ठीक है मतलब देखो मेरे साथ थोड़ा सा कंसेंट बस जॉब का है क्योंकि मैं पूरे दिन भर यार साइट में ठीक है पहले मैं एक किसी और प्लेटफॉर्म पे लेक्चर लेता हूँ सुबह फिर उसके बाद पूरे दिन साइट पे रहता हूँ साइट का इंस्पेक्शन करके आता हूँ बस थोड़ा सा यही कंसेंट है अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिल जाए ना तो मैं आप लोग की क्लास बहुत लंबी लंबी कर दूं यार आप लोग का सोम जल्दी से कवर करा दू मैं बट ठीक है बट जो मेजर सब्जेक्ट है मैं कोशिश करूंगा मैं वो कंप्लीट करा दूं जैसे सोम हो गया आर हो गया स्टील हो गया ठीक है और स्ट्रक्चर हो गया ट्रस्ट मी इन चार सब्जेक्ट में मैं आपकी कमांड बना दूंगा ठीक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट डरते हैं आरसीसी स्टील स्ट्रक्चर और सोम में ही ज्यादातर स्टूडेंट को डर लगता है चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेजिलियंस क्या होता है रेजिलियंस हेडिंग डालिए देखो रेजिलियंस क्या होता है देखो resilience क्या होता है जल्दी जल्दी डालिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करें देखो resilience मतलब क्या होता है किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी कि वो इलास्टिक लिमिट तक अपनी एनर्जी स्टोर कर सके पहले मैं आपको पहले लिख देता हूं फिर उसके बाद पूरा समझा दूंगा एग्जांपल के साथ से ठीक है देखो रेजिलियंस मतलब क्या होता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब ठीक है या स्टोर एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट ठीक है एबिलिटी ऑफ मटीरियल एबिलिटी ऑफ मटीरियल ठीक है टू एब्जॉर्ब या फिर स्टोर स्टोर एनर्जी स्टोर एनर्जी अप टू अप टू इलास्टिक लिमिट अप टू इलास्टिक लिमिट अप टू इलास्टिक लिमिट देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है ठीक है रेजिलियस रेजिलियंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं एग्जांपल देखो बहुत ध्यान से एक स्प्रिंग है आपके पास स्प्रिंग एक्शन ठीक है स्प्रिंग को आप क्या करते हो जितना आप आप उसे क्या कर रहे हो आप उसे कंप्रेस कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो लोड लगा रहे हो जैसे ही छोड़ते हो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है कि नहीं आता है? ठीक है आप क्या कर रहे हो स्प्रिंग को ठीक है जितना आपने work, work उसमें किया जैसे आप हटते हो उतना ही वो रिलीज कर देता है कि नहीं कर देता इसका मतलब क्या हो गया ऐसे मटीरियल ऐसे मटेरियल जिन पे जो भी डन करो वो वापस उल्टा वो रिटर्न कर देते हैं ठीक है उन्हें बोलते हैं रजिलियंस फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अगर सौ रुपए हैं फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया ठीक है मैंने मेरे पास सौ रुपए मैंने मीनल को सौ रुपए दे दिए ठीक है अब ये क्या है कि बहुत ही ठीक है इसने वो रुपए खर्च नहीं किया अपने पास स्टोर कर लिए तो ये क्या कर सकती है जब मैं इसे सौ रुपए वापिस मांगूंगा सौ के सौ रुपये वापिस दे सकती कि नहीं दे सकती सो so, ये जो एबिलिटी है ये एबिलिटी को बोलते हैं रेजिलियंस की मटीरियल की वो एबिलिटी की वो क्या कर सके पूरी की पूरी एनर्जी स्टोर कर सके ठीक है स्टोर कर सके जब भी वो एनर्जी रिलीज करनी हो सारी की सारी एनर्जी वो रिलीज कर सके जो भी उस पर वर्कडन हुआ था ऐसी एबिलिटी को हम बोलते हैं मेरे से सौ रुपए ले लिए और ठीक है दस रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली सुट्टा पी लिया ठीक है अब जब मैं इसे सौ रुपए वापिस मांगूंगा तो क्या मुझे सौ रुपये वापिस कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा क्योंकि इसने वो अमाउंट ऑफ मनी कहीं खर्च कर दिया ठीक है सो इसकी रेजिलियंस क्या हो गई कम हो गई क्योंकि इसने जो एनर्जी इसको मैंने दी थी उसमें से कुछ एनर्जी इसने से, ए, क्या कर दी यूटिलाइज कर दी कहीं और रिटर्न बैक क्या करी कम करी सो ही हैव अ लेस रेजिलियंस मीनल हैव हाई रेजिलियंस बिकॉज उसके अंदर स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है एनर्जी की बात समझ में आ गई आप लोग को आई होप इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आप लोग को रेजिलियंस का फिजिकल सिग्निफिकेंस सिग्निफिकस में आ गया, गया होगा ठीक है अब बहुत ध्यान से देखिए <laughs> मतलब एक बात बता रहा हूं वापिस नहीं देता मतलब ठीक है देखो रेजिलियस का फिजिकल क्या होता है है ठीक चलो देखो बहुत ध्यान से <laughs> देखिए तो अगर ऐसे मटेरियल जो अपनी पूर, जिनकी क्षमता कितनी है एनर्जी स्टोर करने की उसे बोलते हैं रेजिलियंस ठीक है टू इलास्टिक लिमिट टू इलास्टिक लिमिट ठीक है अब बहुत ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखिए बहुत ध्यान से देखिए माइल्ड स्टील केस में माइल्ड स्टील केस में फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इलास्टिक लिमिट पॉइंट बी अप टू द इलास्टिक लिमिट आपने क्या किया एरिया ले लिया इसका एरिया ले लिया आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन एरिया आपने लिया स्ट्रेस स्ट्रेन का अगर आप ये एरिया देखते हैं सो दिस एरिया इज नथिंग बट दिस एरिया इज नथिंग बट हाफ बेस इंटू हाइट हाफ बेस कितना है सिग्मा हाइट कितनी है ठीक है बेस है आपका स्ट्रेन हाइट कितनी है सिग्मा ठीक है अब आप देखो बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से देखिए ठीक है स्ट्रेस क्या होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर और स्ट्रेन क्या होता है एमएम बाई एम 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 बाई एम एम ठीक है तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं ठीक है या फिर न्यूटन पर मीटर लिख लीजिए आप लोग मीटर से कर लीजिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन क्या होता है मीटर पर मीटर तो ये क्या हो गया न्यूटन मीटर इज न्यूटन मीटर इज जूल जूल पर मीटर क्यूब जूल पर मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया मटीरियल की वो एबिलिटी पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है दैट इज नोन एज ठीक है मॉडल ऑफ रेजिलियंस मॉडल ऑफ रेजिलियंस ठीक है पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं मॉड्यूल्स ऑफ रेजिलियंस मॉड्यूल ऑफ रेजिलियंस ठीक है रेजिलियंस होता है सिर्फ एनर्जी अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं देखता हूं पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है उसे हम बोलते हैं ऑफ रेजिलियंस ठीक है सो मॉडलर्स ऑफ रेजिलियंस क्या हो गया मैं यहां पर लिख देता हूं मॉड्यूल ऑफ रेजिलियंस इज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस मॉडल्स ऑफ रेजिलियंस आपका क्या होता है ठीक है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट ठीक है एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट विद इन इलास्टिक लिमिट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम विद इन इलास्टिक लिमिट तो दिस इज नोन एज और आप कैसे निकाल सकते हो एरिया अंडर द्रेन कर्व कैसे निकाल सकते हैं आप एरिया अंडर एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्फ एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर् पर यूनिट वॉल्यूम के ठीक है मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है अप टू इलास्टिक लिमिट उसे हम क्या बोल बोल देते हैं बोल सकते हैं ऑफ रेजिलियंस सकते और देखो कई बार क्या होता है कई जगह रेजिलियस और मॉडलियंस को सेम ही इंटरप्रेट किया जाता है बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है देखो रेजिलियंस क्या होता है एनर्जी होती है सिर्फ एनर्जी रेजिलियंस मतलब क्या होता है सिर्फ एनर्जी बोल देते हैं एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू स्टोर एनर्जी ठीक है अप टू इलास्टिक लिमिट इस अगर आपको रेजिलियंस निकालना होता है तो आप क्या करते हैं लोड 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 एक्सटेंशन 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 कर्व 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 देखते हैं फॉर जैसे ये है. ये है है अब आप क्या कर रहे हो इसका एरिया ले रहे हो लोड एक्सटेंशन कर्व का एरिया अगर आप ले रहे हो ठीक है तो एरिया क्या हो जाएगा इसका एरिया इज हाफ बेस आपका कितना है एक्सटेंशन है एक्सटेंशन फॉर एग्जाम्पल ई हो गया और लोड कितना हो गया पी हो गया और लोड इंटू एक्सटेंशन लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? Energy होती नहीं होती है? है? कि नहीं हो गया सिर्फ so, की में में अगर हम बोलते बोलते तो है. बोलते हैं तो modulus of resilience बोलते हैं हैं. तो तो वो होता है. के एरिया अंडर लोड एक्सटेंशन कर मॉडल ऑफ रेजिलियंस इज ऑप्टेन फ्रॉम एरिया अंडर एरिया अंडर स्ट्रेस कर क्लियर हो गई ये वाली बात मॉडल ऑफ रेजिलियंस इज ऑप्टेन फ्रॉम स्ट्रेस ट्रेन कर्व रेजिलियंस इज ऑपटेन फ्रॉम लोड एक्सटेंशन कर्व ये बात सबको समझ में आ गई अब हम तीसरा टर्म देखते हैं यहां पर तीसरा टर्म हम यहां आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा लिख लिया सबने ये सारी चीज लिख लिया आपने डन चलो देखो लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है प्रूफ रेजिलियंस प्रूफ रेजिलियंस देखते हैं तो क्या होता है प्रूफ रेजिलियंस का मतलब क्या होता है ठीक है प्रूफ रेजिलियंस इज मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट प्रूफ रेजिलियंस इज मैक्सिमम एनर्जी stored up to the elastic limit up to elastic limit ठीक है मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर सकते है अपटू इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियम देखो बहुत ध्यान से इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है फॉर एग्जांपल मैंने क्या देखा ये लोड एक्सटेंशन कर्व है ठीक है मैंने क्या किया यहां तक देखा दिस 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 एनर्जी इज आल्सो गिव्स दी रेजिलियंस

अप टू अप टू पॉइंट इज नोन एज दी प्रूफ रेजिलियंस हैं कि अगर हम proof resilience निकालते हैं, for example, ये लिमिट है ये इलास्टिक लिमिट है ठीक है तो ये एरिया इंडिया क्या हो गया ठीक है दैट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर्ड हो सकती है इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस ठीक है क्या हो गया प्रूफ रेजिलियंस सबको समझ में आ गया तो बहुत थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है ठीक है बात समझ में आ गया सो मैक्सिमम प्रूफ रेजिलियंस इज ऑल्सो नोन एज दी मैक्सिमम रेजिलियंस ये भी आप ध्यान रखिएगा प्रूफ रेजिलियंस इज ऑल्सो नोन एज दी मैक्सिमम रेजिलियंस ये वही चीज हो गई कि फॉर एग्जाम्पल अक्षय मतलब अक्षय देखो है ना कि भाई किसी को मैंने सौ रुपए दिया उसकी सौ सौ रुपए रखने की कैपेसिटी है किसी को मैंने हजार रुपए दिए वो हजार रुपए भी रख सकता है ठीक है सो मैक्सिमम कितना स्टोर करने की कैपेसिटी है वो होता है प्रूफ रेजिलियंस ठीक है और एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं रेजिलियंस बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है उसे हम क्या बोलते हैं मॉडल ऑफ रेजिलियंस बात समझ में आ गई तो ये बेसिक डिफरेंस है तीनों टर्म्स के बीच में आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी गाइज so आज की क्लास में दो तीन स्टूडेंट थोड़े कम लग रहे हैं मुझे ठीक है कल की जो क्लास है टुमोरोज क्लास इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास ठीक है कल की जो क्लास है इट इज वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट क्लास मोस्ट ऑबली कल की जो क्लास होगी वो टू आवर की होगी ठीक है तो कल की क्लास जो है इट इज वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट क्लास कल की क्लास दो घंटे की होगी ये याद रखिएगा ठीक है सो क्लास विल बी ऑफ टू आवर तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है हम जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट हैं उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझेंगे क्या होता है ठीक है यंग्स मॉडल का तो हम समझ चुके हैं रेजिलियंस भी हम लोग समझ चुके हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रेन करके बीच में हम रिलेशन भी देख चुके हैं सो so, कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे और भी जो भी है टफनेस हार्डनेस ठीक है पॉइज रेशियो शिडल इनके बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस देखेंगे क्या होता है कल हम हमारी क्लास कल की बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो टुमारो क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ टू आवर तो आज की क्लास में दोस्तों यही ओवर करता हूँ आई होप आपको इस पैटर्न पे क्लास अच्छी लग रही है या जो पिछले मतलब पिछली क्लास में कर्टन दिख रहे हैं वो उसमें ज्यादा अच्छी लगती है जल्दी मुझे बताओ ऐसे ठीक है ठीक है चलो ये ठीक है ना चलिए ठीक है सो गाइज हम ये आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आप लोग रिवाइज करते रहिए द मोमेंट हम लोग थैंक यू सो मच यार सो मच so भाई सुल्तान देखो जैसे ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटील थैंक यू सो मच गाइस आज यहीं ओवर करते हैं थैंक यू सो मच कल फिर मिलते हैं थैंक यू सो मच